अखिल शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट PDD, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो 72 घंटे की कॉल थी हमने एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि हमारे जो मसले हैं जेन्युइन मसले हैं, जेन्युइन डिमांडे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये काम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, आप देख ही रहे हो, इनमें से बहुत सारे बुजुर्ग बूढ़े हो चुके हैं, अब इनकी उम्र क्या है, लेकिन आज भी ये बेजिस के लिए, रेगुलेशन पॉलिसी के लिए, मिनिमम बेजिस एक्ट के लिए और अपनी पेंडिंग बेजिस के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कम से कम इंसाफ, कहीं तो कहीं इंसाफ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इनके पास इंसाफ है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मसले हैं, जैसे PDD डिपार्टमेंट के भाई, एक PDD डिपार्टमेंट एक ऐसा है बॉर्डर पे BSF बॉर्डर के अंदर, ये अब ये लोग मजबूर हो चुके हैं, ये अभी छोटी सी चिंगारी है, कहीं ये बड़ी चिंगारी ना बन जाए, उसकी जो जिम्मेवारी होगी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिपार्टमेंट की होगी, गवर्नर साहब की होगी। हम गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब आप होश में आओ, आप इन लोगों का काम करो, आपके लिए लोग कह रहे हैं, आप कभी कहीं जा रहे हो, कभी ग्राउंड लेवल पर आप देखो, ये कैजुअल लेबर मेहनत करता है, जब ये पोल पर चढ़ता है पता नहीं होता कि पोल से नीचे आना कि नहीं, बहुत सारे साथी पोल के ऊपर ही मर जाते हैं, बहुत सारे पोल से गिरते हैं तो मर जाते हैं, बहुत सारे साथी हैंडीकैप हो चुके हैं। हम चाहते हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि हमारा एक साथी है मीडिया के चैनल के माध्यम से, उसके घर की हालत, जब वो मर गया उसके 3 बच्चे हैं और उसकी बीबी है और 3 का शेड पड़ा हुआ है, इतनी बुरी हालत है, ना ही डिपार्टमेंट ने उसकी तरफ देखा, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, मीडिया के माध्यम से, मीडिया की उसकी तरफ से दुनिया ने उसको देखा, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे उस डिपार्टमेंट ने उसको कभी नहीं देखा। हमें कहा, हमारी डेजिग्नेशन है जो लाइनमैन, हमें लाइनमैन से कहा जाता है, बड़ी इज्जत दी जाती है कि लाइनमैन, लेकिन जब लाइनमैन की हालत देखी जाए तो आप देख ही रहे हो, ये शोर शराबा, ये वही है कि बच्चा रोएगा तो माँ दूध देगी। हम चाहते हैं कि जो हमारे मसले हैं जेन्युइन मसले हैं और जल्द से जल्द हल हो।